हेलो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि आज के दिन तक इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी थी दोस्तों, लेकिन उनको कत्ल कर दिया गया। आखिर उनको क्यों कत्ल किया गया और किसने कत्ल किया, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पर है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। दोस्तों ये बात है 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:30 बजे इंदिरा गांधी ब्रिटिश एक्टर पीटर ओस्तानोई को इंटरव्यू देने के लिए जब अपने दिल्ली के पीएम हाउस से गुजर रही थी, तो उस वक्त उनके अपने ही दो सिख बॉडीगार्ड्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। भीत सिंह और सतवंत सिंह ने उनके ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों भीत सिंह ने अपने 9.7 mm रिवॉल्वर से 3 राउंड फायर किए जो इंदिरा गांधी के पेट में लगे। उसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी स्टर्लिंग सब मशीन गन से 30 राउंड फायर किए, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गए। उसके बाद वो चल बसी। दोस्तों अगले ही 6 मिनट में भीम सिंह को मौके पर ही मार दिया गया, जबकि सतवंत सिंह ने जो है वो सरेंडर कर दिया। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन्होंने जो इंदिरा गांधी है उनको मारा क्यों। दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोगों के जहन में अलग अलग सवाल आ रहे होंगे, लेकिन इसका एक ही जवाब है और वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने इनिशिएट किया था, इसको स्टार्ट किया था। ये ऑपरेशन दर हकीकत इंडिया के अंदर जो पंजाब है वहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनको उसको क्रश करने के लिए, और उस वक्त जर्नैल सिंह भिंडरवाला और उनके फॉलोअर्स को गोल्डन टेम्पल ऑफ हरमिंदर साहिब से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। इस ऑपरेशन में तकरीबन 500 से ज़्यादा जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो सिख लोग थे उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और इसके जवाब में 83 जो इंडिया की मिलिट्री के बंदे हैं वो मारे गए दोस्तों। और यही वो ऑपरेशन है जो इंदिरा गांधी की मौत का सबब बना। जब ये तफ्तीशात की गई सतवंत सिंह, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भाइयों का बदला लिया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी अपनी जान से हाथ धो बैठी। दोस्तों यहाँ ये बात जरूर पॉइंट आउट करनी चाहिए कि जो भी जो रीजंस बनते हैं, स्टेट हमेशा फेल हो जाती है अपने जो लीडर्स को प्रोटेक्ट करने में। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन मत मुझे बताना भूलिएगा कमेंट्स में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बेनजीर को क्यों मारा गया और किसने मारा, तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, ताकि उसके ऊपर एक नई वीडियो बना जा सके। तब तक मुझे दें इजाजत, मिलते हैं।